पिछले 2-3 दशकों से निरंतर रासायनिक खादों के प्रयोग से जमीन की उर्वरक शक्ति में कमी आई है। इसी तरह आने वाले समय में जमीन रसायनों का ढेर बन जाएगी और हम सिर्फ पुरानी बातों को दोहरा के चीजों को बढ़ावा देते रहेंगे। आज जरूरत है तो हमारी कृषि कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की। फिर से हमें हमारे पुरखों के बताए पथ पर अग्रसर होना होगा, उनकी कृषि कार्य प्रणाली को अपनाना होगा और कम लागत में अधिक मुनाफे का मूल मंत्र अपनाना होगा। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, लेकिन इसकी पूरी सफलता कम लागत व अधिक मुनाफे पर टिकी हुई है। किसान भाइयों को परंपरागत कृषि को अपनाना होगा, तभी आने वाली पीढ़ी को एक सुखद और खुशहाल जीवन मिल पाएगा। प्राचीन काल से ही भारत जैविक आधारित कृषि प्रधान देश रहा है। सदियों से विभिन्न प्रकार के उर्वरक उपयोग होते आए हैं जो पूर्णतः गाय के गोबर और गोमूत्र पर आधारित थे। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के तरल जैविक उर्वरकों आज परंपरागत रूप से उपलब्ध हैं। पंचगव्य क्या है? पंचगव्य का अर्थ है पंचगव्य अर्थात गौमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी के मिश्रण से बनाए जाने वाले पदार्थ को पंचगव्य कहते हैं। प्राचीन समय में इसका उपयोग खेती की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता था। पंचगव्य एक अत्यधिक प्रभावी जैविक खाद है जो पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है और उनकी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है। पंचगव्य का निर्माण देसी गाय के 5 उत्पादों से होता है, क्योंकि देसी गाय के उत्पादों में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। फायदे: भूमि में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी, भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार, फसल उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि, भूमि में हवा व नमी को बनाए रखना, फसल में रोग व कीट का प्रभाव कम करना, सरल एवं सस्ती तकनीक पर आधारित। आवश्यक सामग्री: पंचगव्य निम्नलिखित सामग्री से बनाया जाता है। 5 किलोग्राम देशी गाय का ताजा गोबर, 3 लीटर देशी गाय का ताजा गौमूत्र, 2 लीटर देशी गाय का ताजा कच्चा दूध, 2 लीटर देशी गाय का दही, 500 ग्राम देशी गाय का घी, 500 ग्राम गुड़, 12 पके हुए केले। पंचगव्य बनाने की विधि: प्रथम दिन 5 ग्राम गोबर व 1.5 लीटर गोमूत्र में 250 ग्राम देशी घी अच्छी तरह मिलाकर मटके या प्लास्टिक की टंकी में डाल दें। अगले 3 दिन तक इसे रोज हाथ से हिलाएं। अब 4थे दिन सारी सामग्री को आपस में मिलाकर मटके में डाल दें व फिर से ढक्कन बंद कर दें। इस मिश्रण को 15 दिनों के लिए छांव में रखना है और प्रतिदिन सुबह और शाम के समय अच्छी तरह लकड़ी से गूंदना है। इस प्रकार 18 दिनों के बाद पंचगव्य उपयोग के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद जब इसका खमीर बन जाए और खुशबू आने लगे तो समझ ले कि पंचगव्य तैयार है। इसके विपरीत अगर खटास भरी बदबू आए तो हिलाने की प्रक्रिया 1 सप्ताह और बढ़ा दें। इस तरह पंचगव्य तैयार होता है। अब इसे 10 लीटर पानी में 250 ग्राम पंचगव्य मिलाकर किसी भी फसल में किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। अब इसे खाद, बीमारियों से रोकथाम, कीटनाशक के रूप में व वृद्धिकारक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे एक बार बनाकर 6 माह तक उपयोग कर सकते हैं। इसको बनाने की लागत 70 रुपए प्रति लीटर आती है। पंचगव्य की उपयोग विधि: पंचगव्य का प्रयोग आप गेहूं, मक्का, बाजरा, धान, मूंग, उड़द, कपास, सरसों, मिर्च, टमाटर, बैंगन, प्याज, मूली, गाजर, आलू, हल्दी, अदरक, लहसुन, हरी सब्जियां, फूल पौधे, औषधीय पौधे आदि तथा अन्य सभी प्रकार के फल पेड़ों एवं फसलों में महीने में 2 बार कर सकते हैं। इसे 10 लीटर पानी में 250 ग्राम पंचगव्य मिलाकर किसी भी फसल में किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। बीज उपचार से लेकर फसल कटाई के 25 दिन पहले तक 25 से 30 दिन के अंतराल में इसका उपयोग किया जा सकता है। पंचगव्य को निम्नलिखित प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। 1. बीज व जड़ उपचार द्वारा पंचगव्य के 3% घोल में बीज या जड़ को 10-15 मिनट तक डुबोने के बाद 30 मिनट तक छाया में सुखाकर बुवाई करें। 300 मिली पंचगव्य 60 किलो बीज या जड़ का उपचार करने के लिए पर्याप्त होता है। 2. फल पेड़ पौधों और फसल पर छिड़काव करके पंचगव्य के 3% घोल को फल पेड़ पौधों और फसल पर छिड़काव करके प्रयोग किया जा सकता है। 3 लीटर पंचगव्य 1 एकड़ फसल के लिए पर्याप्त होता है। 3. सिंचाई के पानी के साथ प्रवाहित करके पंचगव्य के 3% घोल को सिंचाई के पानी के साथ प्रवाहित करके प्रयोग किया जा सकता है। 3 लीटर पंचगव्य 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। 4. बीज भंडारण के लिए बीज को भंडारण करने से पहले पंचगव्य के 3% घोल में 10-15 मिनट के लिए डुबोकर रखें, उसके बाद सुखाकर भंडारण करें। ऐसा करने से बीज को लगभग 360 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पंचगव्य के प्रयोग में सावधानियां: पंचगव्य का उपयोग करते समय खेत में नमी का होना आवश्यक है। एक खेत का पानी दूसरे खेतों में नहीं जाना चाहिए। इसका छिड़काव सुबह 10 बजे से पहले तथा शाम 3 बजे के बाद करना चाहिए। पंचगव्य मिश्रण को हमेशा छायादार व ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। इसको बनाने के 6 माह तक इसका प्रयोग अधिक प्रभावशाली रहता है। 3. स्टील व तांबा के बर्तन में इस मिश्रण को नहीं रखना चाहिए। इसके साथ रासायनिक कीटनाशक व खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। पंचगव्य के उचित लाभ के लिए 15 दिन में 1 बार प्रयोग करना चाहिए।
पंचगव्य का प्रभाव। पंचगव्य का छिड़काव करने से पौधों के पत्ते आकार में हमेशा बड़े एवं अधिक विकसित होते हैं तथा यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे पौधे की जैविक क्षमता बढ़ जाती है एवं उपापचय क्रियाएं तेज हो जाती हैं। तना अधिक विकसित और मजबूत होता है, जिससे परिपक्वता के समय पौधे पर जब फल लगते हैं तब पौधा फलों का वजन सहने में अधिकतम सक्षम होता है तथा शाखाएं भी अधिक विकसित तथा मजबूत होती हैं। जड़ें अधिक विकसित तथा घनी होती हैं तथा इसके अलावा वे एक लंबे समय के लिए ताजा एवं स्वस्थ रहती हैं। जड़ें मृदा में गहरी परतों में फैलकर वृद्धि करती हैं तथा आवश्यक पोषक तत्वों एवं पानी को अधिकतम मात्रा में अवशोषित कर लेती हैं, जिससे पौधा स्वस्थ बना रहता है तथा पौधों में तेज हवा, अधिक वर्षा व सूखे की स्थिति को सहने की एवं रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। पंचगव्य के प्रयोग से फसल की अच्छी उपज मिलती है। यह वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक समान फसल की पैदावार देने में सहायता करता है। यह न केवल फसल की उपज को बढ़ाता है बल्कि अनाज, फल, फूल व सब्जियों का उत्पादन एक बेहतर रंग, स्वाद, पौष्टिकता तथा विषाक्त अवशेषों के बिना करता है, जिससे फसल की बाजार में अधिक कीमत मिलती है। यह बहुत सस्ता एवं अधिक प्रभावकारी है, जिससे कृषि में कम लागत पर अधिक लाभ मिलता है।